एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि की रसोई। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई ब्रेकफास्ट रेसिपी अपे। बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक बनते हैं ये, इनको बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन हाँ, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं शुरू अप्पे बनाना। अप्पे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 250 ग्राम सूजी ले ली है। इस सूजी को हम एक बाउल में डाल देंगे। सूजी के बाद हम इसमें आधी कटोरी दही डाल देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने दही वाली कटोरी में ही पानी ले लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दही, सूजी और पानी तीनों को अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसका एक थिक बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसे। सूजी में कोई लम्ब्स नहीं होने चाहिए। दही जो मैंने ली थी वो मैंने रूम टेम्परेचर के ली थी, ठंडी दही नहीं होनी चाहिए। सूजी जो है वो पानी को अब्जॉर्ब भी करती है, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने रखती है। अब जब ये सब कुछ मिक्स हो चुका है, इसको हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। जब तक हम सूजी को ढक रहे हैं, अपने वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है। टेम्परिंग के लिए हम एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें राई के दाने डालेंगे। अगर आप चाहें तो इस वक्त आप उड़द की दाल 1 चम्मच, चना दाल 1 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। राई के बाद हम इसमें अपना करी पत्ता डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे। इसके बाद हम इस तड़के को अपनी सूजी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम बाकी का सामान डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और इन सबको हम एक साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर से इन्हें मिक्स करेंगे। ये हम इंस्टेंट अप्पे बना रहे हैं, इनको फुलाने के लिए हमें सोडा की ज़रूरत पड़ी है। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहें तो आप रात भर सूजी और दही को भी भिगो के रख सकते हैं। इससे भी जब आप सुबह उन्हें बनाएंगे तो वो एकदम फूले फूले बनेंगे। अब हम इसमें अपनी कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, 1 प्याज थी। साथ ही मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, 1 टमाटर लिया है और आधी ही गाजर ली है। इन सबको मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया था और काट के अब हम इन्हें सूजी के मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद हम गैस पर अप्पे पैन रख लेंगे। अप्पा पैन जब थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता है इसमें। अगर आप चाहें तो आप इन्हें बिना तेल के भी बना सकते हैं, बस नॉनस्टिक अप्पे पैन होना चाहिए। तेल गर्म होने के बाद हम अपने मिक्सचर को अप्पे पैन में डाल देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, अगर हम ज़्यादा भर देंगे तो जब ये फूलेंगे तो ये अप्पे पैन में से बाहर निकल आएंगे अपनी शेप से और पूरे गोल नहीं बनेंगे। मिक्सचर को डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बीच में आप 1-2 बार इसे चेक कर लें ताकि ये नीचे से लगे ना। ये देखिए ऊपर से पक चुके हैं थोड़े थोड़े। अब इन पर हम ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे ब्रश की हेल्प से। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप नॉर्मल चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं तेल लगाने के लिए। इसके बाद हम एक एक करके सारे अप्पे पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी सिक जाएं। पकने के बाद हम 2 मिनट के लिए फिर इन्हें ढक के पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट में हमें दोनों साइड से पका लिया है। इसके बाद हम इन्हें उतार के प्लेट में निकाल लेंगे। अप्पे हमारे रेडी हैं। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है इन्हें बनाने की। आप लोग भी इन्हें जब चाहे बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।